हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ अपना ये मेकअप लुक, जो कि शिवांगी जोशी, जो कि नायरा है, से ये रिश्ता क्या कहलाता है, उनसे इंस्पायर्ड मेकअप लुक है। सो होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन हिट कर देना, ताकि आपको मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लैक्मे का ये प्राइमर यूज़ किया है, तो काफ़ी अच्छा प्राइमर है और मैट फिनिश देता है बिल्कुल। आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि आपने कुछ लगाया है फेस पे, और आपका जो फाउंडेशन होगा वो इजीली ब्लेंड होगा बहुत अच्छे से। सो नेक्स्ट मैंने टोनर यूज़ किया है, ये गुड वाइब्स का टोनर है, रोज़ ग्लो टोनर। काफ़ी अच्छा टोनर है और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ही ज़्यादा पसंद है। नेक्स्ट मैंने यहाँ रेवलॉन की ये फाउंडेशन यूज़ करी है, काफ़ी अच्छा फाउंडेशन है, ये भी लॉन्ग लास्टिंग है, फुल कवरेज फाउंडेशन है। सो इसे लेके अच्छे से पूरे फेस पे और लगा लेंगे, और उसके बाद अच्छे से ब्लेंड भी कर लेंगे, ताकि हमारा एक फ्लॉलेस सा मेकअप लुक हमें क्रिएट मिले, और आपका जो मेकअप लुक होगा वो काफ़ी अच्छा लॉन्ग लास्टिंग भी होगा। तो डेफिनेटली आप अगर इंस्पायर्ड मेकअप लुक कर रहे हो, या फिर आप शादी पार्टी के लिए कर रहे हो मेकअप, तो इस टाइप से मेकअप कर सकते हो। सो इसे अच्छे से ब्लेंड कर लिया मैंने। और नेक्स्ट मैंने यहाँ पे कंसीलर यूज़ किया है, ये NYB की कंसीलर है, तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है ये कंसीलर, बहुत अच्छी है और मेरे डार्क सर्कल्स को अच्छे से हाइड कर देती है। तो डेफिनेटली आप अगर कंसीलर अच्छा सा ढूंढ रहे हो अफोर्डेबल, तो ये बहुत अच्छी है। सो नेक्स्ट मैंने यहाँ पे लैक्मे की 925 कॉम्पैक्ट यूज़ की है, ये भी काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग होती है, और फाउंडेशन को सेट करना बहुत ज़रूरी होता है कॉम्पैक्ट से। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे SFR का आई शेडो पैलेट लिया है, इससे ब्लैक सा जो शेड है उससे लेके अपने आईब्रोज़ को फिल करूँगी, क्योंकि आईब्रोज़ को फिल करना बहुत ज़रूरी है। और आईब्रोज़ अगर आप फिल करते हो तो आपका जो मेकअप लुक है वो काफ़ी परफेक्ट सा लगेगा। आपने देखा होगा कि अगर आपने आईब्रोज़ फिल नहीं किए हैं तो आपका जो मेकअप है वो अधूरा अधूरा सा लगता है। सो नेक्स्ट मैंने यहाँ पे मैंने ये मरून सा शेड लिया है, उसे अपने पूरे आईलेट पे लगाऊंगी, बट मिड ऑफ़ द आईलेट पे मैंने ये गोल्डन सा शेड लिया है, क्योंकि हमारा जो ड्रेस है वो गोल्डन टाइप का है, येलो टाइप का है। सो इसे लेके अच्छे से लगा लेंगे और पूरे आईलेट पे लगा लेंगे, और उसके बाद उसे ब्लेंड भी कर लेंगे। सो मैंने यहाँ पे येलो सा शेड लगाया है, और उसके बाद यहाँ पे मिस क्लेयर की ये गोल्डन से शेड लिया मैंने आई शेडो, और उसे अपने आईलेट पे, पूरे आईलेट पे, हाफ आईलेट पे लगा लेंगे, ताकि हमारा जो मेकअप लुक है वो काफ़ी प्रिटी सा दिखे। क्योंकि मैंने देखा था वो शिवांगी जोशी के मेकअप में कि उन्होंने इस टाइप का ही कुछ मेकअप करा था, और मरून सा जो शेड है उसे अपने लोअर लैश लाइन पे भी अच्छे से लगा के और स्मच कर लेंगे। सो देखिए मैंने इसे लगा के और स्मच किया है। सो अच्छा लगता है इस टाइप का, अगर आप मेकअप करते हो किसी भी शादी पार्टी या फंक्शन के लिए, तो अच्छे से इसे लगा के और स्मच कर लेंगे। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे NYB की ये लाइनर ली है, लिक्विड लाइनर है, काफ़ी ज़्यादा पसंद है मुझे, बहुत ज़्यादा, इतना हैंडी है कि आपको एप्लीकेटर इसका है, बहुत हैंडी है, आपको लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और आसानी से आप विंग लाइनर क्रिएट कर पाओगे। तो अगर आप बिगिनर हो, अगर आप अच्छा सा कोई आईलाइनर ढूंढ रहे हो, तो डेफ़िनेटली आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करना, काफ़ी अफोर्डेबल है, इजीली आप इसे अफोर्ड कर सकते हो, कोई भी अफोर्ड कर सकता है। सो इसे अच्छे से लेके लगा लेंगे। और नेक्स्ट मैंने यहाँ पे कोलोसल काजल यूज़ किया है, ताकि मेरी जो आईज़ मेकअप है वो काफ़ी स्मच प्रूफ रहे, वाटर प्रूफ रहे, और अगर मेरी आईज़ पे कुछ चला भी जाए तो वो जल्दी निकले ना मेरा मेकअप आईज़ का, क्योंकि जो आईज़ मेकअप होता है गाइस वो आपके लुक को डिफ़ाइन करता है। सो इसे लेके अच्छे से लगा लिया। नेक्स्ट मैंने अपने लैशेस को कर्ल किया है, तो आई लैशेस कर्लर जो होता है उससे आप अपने लैशेस को कर्ल ज़रूर करें, बिना इसके आप अगर मस्कारा लगाओगे तो वो उतना अच्छा नहीं लगेगा, बट इसे कर्ल करने के बाद अगर आप मस्कारा यूज़ करते तो काफ़ी अच्छा लगेगा। तो मस्कारा के लिए मैंने यहाँ पे लैक्मे की ये हाइपर कर्ल मस्कारा यूज़ करी है, ये भी वाटरप्रूफ है, काफ़ी अच्छा मस्कारा है। और नेक्स्ट मैंने यहाँ पे ये ब्राउन सा शेड लिया है अपने आई शेडो पैलेट से ही, और उससे मैं अपने कॉन्टोर करूँगी, जो भी कॉन्टोरिंग पॉइंट है हमारे उसे कॉन्टोर कर लेंगे। और उसके बाद मैंने चीक्स को अपने हल्के से ही पिंक किया है, उनका चीक्स जो था वो पिक्चर में उतना ज़्यादा पिंक नहीं लग रहा था। सो नेक्स्ट मैंने हाइलाइटर यूज़ किया है, ये स्विस ब्यूटी का हाइलाइटर है और मुझे बहुत पसंद है, बहुत अच्छे से फेस को हाइलाइट करता है, सो इसके बाद किसी हाइलाइटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। और नेक्स्ट मैंने यहाँ पे लिपस्टिक यूज़ की है, ये NYB का लिपस्टिक है, काफ़ी अच्छा लिपस्टिक है, सो इसे लेके अच्छे से लगा लेंगे। और लिपस्टिक लगाने के टाइम भी आप काफ़ी केयरफुल रहे, ताकि लिपस्टिक जो है आपका इधर उधर ना फैले। और नेक्स्ट मैंने अपने मेकअप को फिक्स किया है, ये भी स्विस ब्यूटी का है मेकअप फिक्सर, काफ़ी अफोर्डेबल है, ये भी अच्छे से आपके मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाता है। सो गाइज, ये है मेरा फाइनल लुक, होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन हिट कर देना, ताकि आपको मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। इस वीडियो को कर देना लाइक बहुत सारा,
और कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, और मेरा चैनल देखते रहे।